जयपुर बनाने हैं। जयपुर से कश्मीर से होगा, दो डिप्टी एक राजौरी से होगा, एक डोडा से होगा, दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक जयपुरा बना है। मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स बनाने हैं, एमओएस बनाने हैं, सब बने हैं, तो सिर्फ आप इलेक्शन का वोट ही बकायत है। वो तीन भाग में आएगा, तीन फेज में इलेक्शन। पहला फेज यहाँ होगा नॉर्थ कश्मीर का, यहाँ से एक, जम्मू से एक पार्लियामेंट सीट, ऐसे ही श्रीनगर से एक, उधर से एक। तो 30 सितंबर को इलेक्शन खत्म, 1 अक्टूबर को बारामूला में काउंटिंग और 5 अक्टूबर को पहला कैबिनेट मीटिंग। पहले कैबिनेट मीटिंग में एक ही फैसला होगा, हमारे पास जो 2,22,000 कैजुअल लेबर्स है उनको परमिट करना है और सी जाए। जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगा तब तक उनको कोई भगवान भी परमिट नहीं करेगा, कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ कर सकते हैं हम। जैसे छोले में बोलते रहे गबर सिंह, तुम लोगों को एक ही बचाएगा वो है खुद गबर, बाकी कोई नहीं। इसी तरह ये है, आप लोगों से इस्तीफा है कि बेहतर रहेगा आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, उसका साथ दे दो, आप लोगों का फायदा होगा। अभी हम सिर्फ देने के लिए आए हैं, लेने का वक्त तो सितंबर में है, बेहतर रहेगा तब तक। अभी 6 महीने हैं, 6 महीनों में बहुत सारे उलट पुलट आएंगे, बहुत सारे काम करने बाकी हैं। अभी आए भाई देना है, उसका लिस्ट बन रहा है, अभी रोडों का गड्ढा करना है, अभी नौकरियां लगानी है, अभी हमें घास चराई को निकालना है। हम सिर्फ ईद का इंतजार करते हैं, ईद जब आएगा आप देख रहे हैं सड़कों पर हमारे डोजर हैं, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जिसने जो सरकार को लूटा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस ब्रेक की तरफ मत देखो, ब्रेक तो हर वक्त होता है, आप फिल्म जगत में भी ब्रेक है, आप खबर जगत में भी ब्रेक है, ये नहीं कि बस ब्रेक हो गया तो डोजर खत्म हो गया, डोजर फिर चालू हो जाएगा। और उसमें सिर्फ अमीर लोगों को ही जिन्होंने गलत किया है, गरीब के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, ना ये पहाड़ों में जाएगा, ना ये पहाड़ों में जाएगा, ये जब जाएगा वेलेबल रोड ऊपर जाएगा, वेलेबल कीमती। शर्म है हमारे लिए कि हमारे बच्चे लोग, ये 4-5 गांवों का सेंटर है, यहाँ पर खुले ग्राउंड नहीं है। आप सरकार में देखिए, सरकार स्कूल जब चलता है उसमें फिजिकल टीचर होता है, एक पीरियड उसका होता है, और आप लोगों के बच्चों को खेलने का मैदान ये है, खेलने के लिए दूसरे गांव में जाना है, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। अभी तो स्कूलों में हम कुक चेंज कर रहे हैं, रानी दादियां जो है उनको सबको छुट्टी करनी है, उसके बाद हमें आंगनवाड़ी में सफाई करनी है, हर एक हेल्पर जो है वो चेंज होगा, वह मैट्रिक पास लगाना है, परमानेंट लगाना है, और जो आंगनवाड़ी के हेल्पर वर्कर है अगर वो TDC पास होगी ठीक, नहीं तो छुट्टी, क्योंकि वहाँ TD प्लस लगाना है। यहाँ हमें नया बदलाव करना है, हमें हकदार को हक देना है। यहाँ बेरोजगारी आसमान को छू रही है, बेरोजगारी को मिटाने के लिए यही तरीके हैं। आंगनवाड़ी में हमारा 10,000, 20,000, 50,000 जाएगा, उसमें 2 होते हैं। अभी सुपरवाइजरों को हमें निकालना है, क्योंकि अंडू वो सुपरवाइजर लगे हैं, सजागरी लोन ने लगाया है, जबकि वो वर्कर का तनख्वा लेती है 5,500 वो तनख्वा लेती है, लेकिन यहाँ सील है सुपरवाइजर का, जबकि सुपरवाइजर एक गेस्ट एडवाइजर होता है जिसके सील से पैसा निकलता है सरकार का। ऐसी धांधलियां हुई है, ऐसी धांधलियां जो हम आवाम में बोल नहीं सकते, ऐसा अत्याचार यहां हुआ है। यहां जाकर ब्लॉक अफसर के पास 4 ब्लॉक हुए, हम क्यों नहीं लगा रहे,
अभी उनके लिए हम सोच रहे हैं कि जिसको हम प्रमोट करेंगे पहले उसका लिस्ट हमें उसका करेक्टर देखना है, मतलब ये करप्ट अफसर है, इसको सरकार का खजाना हवाला करेंगे, इसको सील हम दे देंगे, ड्राइंग पावर दे देंगे, पहले ईमानदार होना चाहिए। अप्रैल में ये परेशानी भी दूर हो जाएगी ब्लॉकों की। हमें 14,000 यहाँ जेई लगाने हैं, 1400 हमें VLW लगाने हैं, 1400 हमें यहाँ GR लगाने हैं, यानी यही होगी नौकरी की बुछाड़, बेरोजगारी का नामो निशान नहीं। लेकिन मैट्रिक पास मिनिमम होना चाहिए, मैट्रिक से नीचे किसी को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। हमने आपसे वादा किया है कि गवर्नमेंट में जो भी आपको हमसे मदद चाहिए वो हम करने के लिए तैयार है। नौकरी खुद करनी है, खुद बच्चे को खुद एग्जाम देना है, खुद पेपर करे, कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं। आपने देखा कि आज तक 14 डिपार्टमेंटों का एग्जाम रिजेक्ट हो गया, उनमें धांधलियां हुई। हम कहते हैं कि नीट और क्लीन हो, किसी गरीब का 10 पैसा ना लगे, उसका बच्चा अगर काबिल है उसकी काबिलियत को कोई लूट ना करे, ये हमारी सरकार का मिशन है, मंशा है। तो इसलिए हम चाहते हैं नीट एंड क्लीन गवर्नमेंट हो, आने वाली गवर्नमेंट हो, जो होगी वो भी नीट एंड क्लीन। अगर हमने कल दो बड़े अहदेदारों को पार्टी से निकाला, कन्फर्मेशन मुझे दिल्ली जम्मू से लेनी पड़ती है, मैं यहाँ खुद नारत इंचार्ज हूँ, प्रभारी मेरे सरफर से आला, क्योंकि हमने सारी जिंदगी दी है पार्टी को, यहाँ करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाता। मामूली करप्शन किया था दफा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यहाँ बख्शा नहीं जाता, यहाँ चाहिए नीट एंड क्लीन करेक्टर। हम वर्कर के लिए जान दे देंगे, मेरा मानना है कि अल्लाह मनम से नजात दे, अल्लाह मनम से नजात दे, हमारे वर्कर की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा उसकी आंखें उसकी माँ को मैं हवाले करूंगा। एक बार अजमा के देखो, अजमा के देखो, तो मेरे वर्कर के साथ खेलेगा। मैं मंच पर बोलता हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम उस खानदान को मिटाऊंगा। हम वर्कर के साथ हैं, वर्कर की हर आंख के साथ हैं, हर दर्द के साथ हैं। हमारा वर्कर अगर एक फोन करेगा कि मेरी यह मुसीबत है, हम सब लोग सब पार्टी उसके घर में होंगे। और ये गरीबों की पार्टी, या अमीर कोई नहीं है, हम सब लोग गरीब हैं, ये गरीबों की पार्टी है। यहाँ ना बड़े बंगले हैं, यहाँ ना बड़ी गाड़ियां हैं, ये सब जितने भी हमारे लोग हैं गरीब हैं, यहाँ अमीर की जगह ही नहीं है, अमीर वाले गरीबन से। इसलिए वोट डालता है गरीब, बदलाव लाता है गरीब, आई बच लगता है सरकार को गरीब का। अमीर सिर्फ लूट करते हैं, बाकी वसलाम और शुक्रिया। आप रहमान रहीम मैं दरखुश साजनी जिठन बुजुर्गन अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस रफियाबाद में, ये शायद हमारा पहला जलसा है चतलोरा में, और आज जितने वो चतलोर को है कि वाजी शाम रफियाबाद एक पन्ने वाद एक पावन और वो आज ऐसे वाद करमुल कि इस दिमो जल्स और इन्होंने करके दिखाया। यूसुफ मोहम्मद चतलोर के मुबारक है। रफियाबाद जो पचवो सत्तो वरियो पे आमद कट ऑफ था, चाहे अगर इस विषय नौकरियों लिहाज या डेवलपमेंट लिहाज, इसे जीरो से बिगिन यथ लगन बराबर मे बासान हथ वरी अगर संभाल लगो। अगर वनि क्यों यमो लीडर यम पत्को मिनिस्टर हजरा, अगर तुमो आसो वनि तक यहाँ गाम लोल भरमुत इस हेको आज नौ कह कर गाम पे विकन सत्न वरियन में आब किदार आब गो ज्रुव जिस त्रुवास मे आब दाय त्रा यह तमन खतर शैम।
تم ون تن اگر اس ونا سے بزر کم سے کم تم موجود یوتھ لیڈر آخ لکٹ اور تم پہنا یم جوان ہوں خیال تھاؤن یم ونکس تر پہ گن میں راج پہ گندنے گھن یہ لڑکہ آئے اوتر مے نش اور مشومن واد کورمت کہ اچھو تھی سٹیٹ لینڈ یا گس چرائے یہ میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو میں چتورا میں گراؤنڈ کر کے دوں گا اور یہ تماشا ان لیڈروں پہ ہوگا جنہوں نے 70 سال یہاں پہ راج کر کے ان غریبوں کے ووٹ لیے ہیں ڈیولپمنٹ کے حساب سے یہاں پہ ہم کل چل رہے تھے تو میں نے یہاں پہ جو الیکٹرک پولز ہیں وہ آپ اگر آپ جان کے بھی دیکھو کیمرہ مین سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ایک بار شام کو وہ دکھائیں وہ نیچے سے کھوکھلے ہو چکے ہیں آج تک ان پہ کوئی کاروائی نہیں کی ہے غریبوں کے لیے اگر گورنمنٹ اتنی ساری اسکیمیں لاتی ہیں میں گراؤنڈ سٹاف سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ غریبوں کے گھر گھر جا کے سروے کریں کوئی سی بجلی فیس کوئی سی آب مسئلہ کوئی سپورٹ سک مسئلہ کچھ کھانا چیز تھی تم این سون تم این اس وات نہیں کر ہی وہ وعد خدا تو خدا سے رسول سے بھی تہ لوگوں سے ہم کر کے دکھائیں گے ہم کھوکھلے وعدے کرنے میں سے نہیں ہیں ہم کر کے دکھاتے ہیں جو ہم بولتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں تو اس وطر مسئلہ ہم سبا کالونی آرمی اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو وطرگام کیمپ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے اور ہم نے وہ کر کے دکھایا ہے دو دن آپ ویٹ کیجیے دو دن کیونکہ ڈاکومنٹیشن میں ٹائم لگتا ہے وہ ایک کیمپ سے کاٹ کے دوسرے کیمپ کے ساتھ ملانا ہے دو تین دن اس میں لگیں گے اور یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ آپ کو السبا کالونی آج کے بعد یہاں پہ دکھے گی نہیں یہ وعدہ ہے